लोग ओके मैं दिख भी नहीं रही हूँ बाय द वे. ओके सो हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. माय नेम इज सुरभि एंड जैसे कि आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो देख लिया होगा जिसमें मैंने शेयर किया था आइकिया टूर विथ यू. वहाँ पे जाके हम लोग ने बहुत सारा एक्सप्लोर किया, न्यू चीज़ें हमें पता चली. अगर आपको एक पूरा रूम रेडी करना हो तो आपको एक पूरा आइडिया आ जाएगा कि आप किस तरह से सेट कर सकते हो. बहुत सारी वराइटीज़ है वहाँ पे. सो यस, वहीं से मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें शॉपिंग की है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं की है बिकॉज ऑब्वियसली हम लोग वहाँ पे फर्स्ट टाइम गए थे देखने के लिए, जस्ट एक विजिट करने के लिए. सो बहुत कुछ ऐसे सोच के नहीं गए थे कि क्या लेना है क्या नहीं, बट जो जो थोड़ा बहुत अच्छा लगा एंड कुछ मुझे यूजफुल था वो मैंने वहाँ से लिया है. एंड आप बोल सकते हो इसे एक मिनी हॉल बिकॉज छोटी छोटी चीज़ें हैं एंड बहुत कम चीज़ें भी है. सो यस, अगर आप ये वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना. नाउ विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन. ऑल राइट, सो फर्स्ट मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितनी सारी चीज़ें मैंने लाई हूँ. सो दिस इज़ द होल बास्केट, मतलब ये भी एक चीज़ है जो मैंने उनमें से खरीदी है. लोग ओके मैं दिख भी नहीं रही हूँ बाय द वे. ओके सो स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे. वैसे ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें मैं नहीं लेके आई हूँ बिकॉज ऑब्वियसली मैंने जैसे कि आपको बताया कि हम लोग जस्ट वहाँ पे विजिट करने गए थे, घूमने गए थे, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ों के लिए हम लोग गए नहीं. अगर ज़रूरत पड़े तो स्पेशली उसके लिए हम लोग ज़रूर जाएंगे. सो यस, फर्स्ट चीज़ मैं आपको जो मुझे काफ़ी यूज़फुल होने वाली है वो है ये. तो बाय द वे आपको वाइट बैकग्राउंड की वजह से पता नहीं कितना दिख रहा होगा. सो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ. सो ये है प्लांट पॉट. तो ये इस तरह का दिखता है. सो ये एक्चुअल में प्लांट पॉट्स है. मटेरियल इज सो गुड. ये प्लास्टिक बिल्कुल भी नहीं है. ये थोड़ा सा एल्यूमिनियम या फिर जो हम लोग का स्टूल मटेरियल होता है वो मटेरियल में है. बस मुझे अच्छा लगा एंड मैंने ले लिया बिकॉज ये एज अ ब्रश होल्डर मैं यूज़ करने वाली हूँ बिकॉज मेरे पास बहुत सारे मेकअप ब्रशेस हैं एंड कुछ भी होल्डिंग के लिए मेरे पास नहीं है जिसमें हम लोग ब्रशेस रख सके एंड फिर वो ढूंढना पड़ता है. तो जस्ट आप इस पे ब्रशेस रखोगे एंड आपको इजीली दिख जाएंगे ऊपर से कि कौन सा ब्रश हमें यूज़ करना है. सो ये इसका काफ़ी अच्छा यूज़ होने वाला है एंड डेफिनेटली आप इसे एज अ प्लांट पॉट भी यूज़ कर सकते हो. बट ये वाइट कलर में है एंड ब्यूटीफुल सा इसके ऊपर ये डिज़ाइन है. सो मैंने इसीलिए ये दोनों को लिया है एंड ये अराउंड 80 रुपीज़ है, मतलब 80 रुपीज़ ईच है. तो मैं दो लेके आई एंड इसमें साइज़ भी बड़ी थी बट वो प्लांट पॉट के लिए परफेक्ट थी. ये ब्रश होल्डर के लिए मैंने लिया है. ओके सो अभी हम बढ़ते नेक्स्ट थिंग इज दिस फ्लावर पॉट वास. सो ये ग्लास मटेरियल में है ऑब्वियसली एंड इसके जो इनके ऊपर जो सारे टैग्स थे वो मैंने निकाल दिए हैं. सो प्राइस मुझे हार्डली याद होंगे बट स्टिल मैं आपको स्क्रीन पे विथ नेम मतलब ट्राई करूँगी कि आपको दिखा दूँ. सो ये बहुत ही अलग सा यूनिक सा शेप है, लाइक हमारा जो रेगुलर वास वाला शेप होता है वो नहीं है. एंड ये 145 के अंदर, मतलब 140-150 तक था एंड काफ़ी अच्छा है. मतलब ये मेरी मॉम की चॉइस है. बहुत सारे वहाँ पे वैरायटीज थी ऑफ दी फ्लावर पॉट्स, वास पॉट्स बहुत सारी थी. सो इनमें से एक ये मैं लेके आई हूँ. अभी इसमें रखने के लिए मैं कुछ फ्लावर्स लेके आई हूँ. सो या एंड इनमें से कोई कोई चीज़ों के टैग्स है अभी तक. तो इनमें से ये दो जो है वो लाइट पिंक कलर के हैं एकदम थी. सो अभी तक इन्हें मैंने किसी को यूज़ नहीं किया है बिकॉज हॉल के लिए रखा था. सो यस, ये इस तरह से दिखेगा. लुक्स प्रीटी, बहुत अच्छा दिख रहा है ना. सो या बाय द वे थोड़े से मुझे लंबे लग रहे हैं बट लेट्स सी कैसे होता है. नेक्स्ट अगेन एक फ्लावर पॉट है जो कि है ये, बहुत ही ज़्यादा यूनिक है ना. तो ये भी मैंने, मतलब जितने भी आइकिया के रिलेटेड वीडियोस मैंने यूट्यूब पे देखे हैं सब लोग ये वाला वास लेके आते हैं. सो मुझे ये बाय चांस दिख गया तो मैं इसे लेके आई एंड ये भी, ये मुझे इसका प्राइस याद नहीं है, ये आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा.
एंड बहुत ही क्यूट सा साइज़ है, बहुत ज़्यादा डेकोर के लिए एकदम परफेक्ट पीस है। अगर बैकग्राउंड में भी आप इस तरह से रखोगे, कहीं पे भी रखोगे तो बहुत अच्छा दिखेगा। एंड इसके लिए ये फ्लावर साइज़ परफेक्ट है जो इसमें, एक आप सिंगल फ्लावर भी रखोगे तो भी बहुत ज़्यादा क्यूट दिखेगा। सो ये नेक्स्ट परचेज। देन हम लेके आए हैं एक कंटेनर। तो ये कंटेनर आपको देख के लग रहा होगा कि ये क्या कॉमन सा है, नहीं, इसका मटेरियल इज वेरी गुड, बहुत ज़्यादा स्टर्डी है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं इसे फोल्ड करूँगी तो बेंड करूँगी तो बेंड हो जाएगा, नहीं, बिकॉज ये प्लास्टिक मटेरियल नहीं है। जो हमें हम लोग यूजुअली कंटेनर्स आते हैं स्टोरेज कंटेनर्स, वो प्लास्टिक में होते हैं, दिस इज़ नॉट प्लास्टिक। स्टोरेज होता है चार्जर्स रख दो, वॉचेस रख दो, तो उसके लिए थोड़ा सा अंदर से पता नहीं ये धूल हो गई है, बट ये पिंक कलर में है अंदर से एंड यहाँ से वाइट में है। सो यस, मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा मटेरियल वाइज, इसका भी प्राइस याद नहीं है। यस, सो ये एक रैंडम, बहुत ही ज़्यादा रैंडम बाय था, ले ली। तो अभी पता नहीं कि ये कहाँ पे यूज़ करेंगे, बिकॉज इसका भी ये जो फिक्सिंग है ये हैंगिंग वाला है, तो इस तरह से हैंग होगा, तो लेट्स सी कि कहाँ पे होता है, बट जस्ट लेके आए हैं। बट येस, दिस इज़ डेफिनेटली यूज़फुल, बिकॉज अभी फ़िलहाल हम लोग जो ब्रशेस रख रहे हैं वो अच्छा नहीं है सेटअप, सो दिस इज़ गुड ऑप्शन टू स्टोर योर ब्रशेस, योर टूथपेस्ट, योर फेस वॉश, एनीथिंग। सो या, पॉट लिया है ये फ्लावर पॉट। सो इसका टैग तो मैंने रखा है, अभी तो खुला नहीं है। सो ये MRP 445 है, बट इतने का नहीं मिला है, ये ऑब्वियसली सेल में था, आई डोंट रिमेम्बर, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, आई टेल यू बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, 200 तो थे ही नहीं, ये इतना सा, ये आप देख सकते हो ये 445 का है, बट ये ऑफर में मिला, बट अदरवाइज कोई कोई जो थे पॉट्स प्लांट्स थोड़े से इससे बड़े साइज के थे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, एंड स्पेशली जिसके ऊपर फ्लावर्स बने थे, तो जो नॉर्मल प्लांट होते हैं जैसे कि ये बैकग्राउंड में है, ये प्लांट तो फिर भी ठीक है, बट जिसमें फ्लावर्स है, कलरफुल फ्लावर्स, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। यस, एनीवेज, सो इसका जो पॉट था बहुत ही अच्छा है, ब्लैक कलर में है, सो ये एक अच्छा पॉइंट लगा मुझे, एंड बहुत ही सिंपल सा है, नॉट वेरी वेरी, मतलब ठीक है, मुझे एक चाहिए था सो मैंने ये एक ले लिया, एंड इस पे ये बहुत ज़्यादा फ्रेश ऑरेंज फ्लावर है, ब्राइट फ्लावर्स है, सो बहुत ज़्यादा उठ के आता है, अगर ये आप कहीं पे भी रखोगे तो बहुत ज़्यादा उसका लुक जो है वो खुल के आएगा, सो इसलिए मैंने इसे लिया था। ऑलराइट, सो नेक्स्ट भी एक बहुत ज़्यादा घर के लिए यूज़फुल चीज़ है, जो कि है हैंगर्स। तो ये 99 का सेट था, 8 इसमें हैंगर्स है, सो ये इसका MRP कुछ ज़्यादा था, 139 इज़ द MRP, एंड ये मुझे 99 का सेट मिला, सो मुझे अच्छा डील लगा है, एंड ये भी अभी तक खुला नहीं है, बट इसका कलर कॉम्बिनेशन जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, बहुत अच्छे अच्छे मल्टी कलर्स में आपको मिल जाते हैं, एंड इसमें ब्लैक का भी सेट था, बट ब्लैक है तो वो एक्सपेंसिव था, एंड मेरा इतना कुछ नहीं है कि ब्लैक ही चाहिए एंड ऐसा कुछ, वैसे भी मेरा कबर्ड जो है वो ब्राउन है, तो ब्लैक तो उस पर इतना अच्छा नहीं दिखेगा, सो दैट्स फाइन। सो ये एक लिया मैंने है ये, तो ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन बाय है, मुझे भी चाहिए था बिकॉज सेट है एंड सेट में आपको अच्छा डील मिल जाता है, सो इसमें तीन इस तरह के मिनी पॉट्स है, मिनी प्लांट्स है, सो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है ये, वेरी वेरी क्यूट। आप अगर आप ऑफिस में भी जा रहे हो तो भी आप अपने डेस्क पे इसे रख सकते हो, इस तरह सा, इस तरह का ये दिखता है प्लांट, तो ये तीन है टोटल, वेरी वेरी क्यूट लुकिंग एंड बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे अच्छा लगा, एंड मुझे कब से चाहिए था, मेरे पास प्लांट्स बिल्कुल भी नहीं है, आर्टिफिशियल नहीं, फेक रियल नहीं, आर्टिफिशियल नहीं, कुछ भी नहीं, प्लांट्स है ही नहीं, तो मुझे प्लांट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी डेकोर के लिए, सो यस, इसी के लिए ये लेके आई हूँ मैं ये तीन। तो यस,
सेकेंड लास्ट इज दिस. सो ये है डिश ड्रेनर. लोगों को तो पता चल गया होगा, तो ये बहुत मतलब साइज भी काफ़ी अच्छा है, स्क्रीन में भी फिट हो गया. तो इसमें आप रख सकते हो यहाँ पे पूरे हमारे बड़े प्लेट्स, देन यहाँ पे रख सकते हो आप कुछ भी ये वाले सरफेस में. एंड ये जो सेक्शन दिया है इसमें आप ब्रशेस रख सकते हो, ब्रशेस ग्लासेस रख सकते हो, स्पून्स रख सकते हो. सो इसकी ये हाइट भी काफ़ी अच्छी है. एंड मेनली ये जो साइड वाला दिख रहा है आप लोगों को, तो इसमें आप ग्लास या फिर कप्स हैंग करके रख सकते हो. सो ये एक चीज़ है इसमें. तो मतलब ऐसे नहीं कि ये सिर्फ शाइनिंग के लिए दिया गया है, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है नहीं, मैं आपको थोड़ा क्लोजअप से दिखाऊंगी बाद में. तो यहाँ पे भी आप इस तरह से हैंग कर सकते हो. तो मतलब ऑल साइड से इट इज़ वेरी यूजफुल एंड इट इज़ जस्ट फॉर 299. इसमें एक स्मॉल साइज था जो 199 का था एंड दिस इज़ आई थिंक फॉर 299, बट दिस क्वालिटी इज़ रियली गुड. ये मैंने एक रिकमेंडेशन से लिया है, दैट इज़ वाई मैं बोल रही हूँ इसकी क्वालिटी अच्छी है. सेकेंड एंड द लास्ट आइटम इज़ स्टूल. तो स्टूल मैं आपको अभी हाथ में नहीं दिखा सकती क्योंकि बैकग्राउंड में वो सेटअप रखा हुआ है. सो स्टूल जो था वो मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए था बिकॉज बैठने के लिए ऑब्वियसली, एंड वाइट कलर में था, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल था. सो मुझे वो काफ़ी अफोर्डेबल लगा. 299 का था, थोड़ा सा लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा स्टर्डी नहीं है. लाइक अगर आप उस पर खड़े होना चाहते हो तो वो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है. सो मैं तो वो चांस नहीं लेने वाली, बट मैंने उसे अदर यूजेस के लिए लिया हुआ है एंड एक अच्छा आइटम दिखता है अगर वाइट कलर में है तो. एंड बैठने के लिए तो डेफिनेटली इट इज़ यूजफुल. तो उसमें बहुत सारे कलर्स थे, ऑल कलर्स अवेलेबल थे उसमें, तो मैंने उसमें वाइट लिया था. सो येस आई थिंक सो कि सारी चीज़ें हो गई है. आई होप मैंने कुछ मिस ना कर दिया हो. सो या आई एम डन विथ दिस हॉल एंड आई होप आप लोगों को ये आइकिया हॉल पसंद आया हो. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना. एंड अगर आपको नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे जब मैं वीडियोज़ डाल रही हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको पता नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे आपको बेल आइकॉन दिख रहा होगा, तो ये बेल आइकॉन पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको नोटिफिकेशंस आ जाएंगे जब भी न्यू वीडियोज़ मेरे चैनल पे आएंगे. तो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टिल देन हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय.